नमस्ते, मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट अश्विनी। क्या आपके डॉक्टर ने आपको मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो प्लीज़ ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए कि आपको मेटफॉर्मिन के साथ कौन सा विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल आपके नॉलेज के उद्देश्य से है। खुद अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना ले और दवाओं को केवल आपके डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। मेटफॉर्मिन का उपयोग उचित आहार और व्यायाम के साथ हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में किया जाता है। मेटफॉर्मिन आपके द्वारा नेचुरल रूप से उत्पादित इंसुलिन के प्रति आपके शरीर की उचित प्रक्रिया को मेंटेन करने में मदद करता है। यह आपके लीवर द्वारा उत्पादित शुगर की मात्रा को भी कम करता है, जिससे आपका स्टमक और इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मेटफॉर्मिन आपके शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन को एब्जॉर्ब करना कठिन बना सकता है। वो विटामिन है विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। हेल्दी नर्वस सिस्टम और हेल्दी ब्लड सेल्स के लिए विटामिन B12 आवश्यक है। विटामिन B12 का बहुत कम स्तर एनीमिया सहित गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। आपको मेटफॉर्मिन के साथ B12 की आवश्यकता है, क्योंकि शोधकर्ताओं का कहना है कि मधुमेह वाले कुछ लोगों में मेटफॉर्मिन विटामिन B12 के स्तर को कम कर सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के इलाज के लिए सबसे अधिक निर्धारित दवा वास्तव में कई रोगियों में इरिवर्सिबल नर्व डैमेज का कारण बन सकती है। क्या होता है जब आपका विटामिन B12 कम हो जाता है? अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आप एनीमिक हो सकते हैं। हल्की कमी से कोई लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन अगर इलाज नहीं किया जाए तो इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कमजोरी, थकान या लाइट हेडेडनेस। एक सामान्य B12 स्तर 190 और 900 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर यानी ng/ml के बीच माना जाता है, लेकिन 300 ng/ml के नीचे किसी भी स्तर पर इलाज के लिए विटामिन B12 लेने का सुझाव दिया जाता है। यदि आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो हर साल अपने स्तर की जांच करवाएं। 300 ng/ml से अधिक स्तर वाले रोगियों के लिए सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में प्रेजेंटली यह माना जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले वयस्क जिनकी उम्र 50 से अधिक है, उनमें प्रतिदिन 2.4 माइक्रोग्राम सिंथेटिक विटामिन B12 के सप्लीमेंट के रूप में या फोर्टिफाइड भोजन में लेना चाहिए। क्या विटामिन B12 को मेटफॉर्मिन के साथ लेना सुरक्षित है? मेटफॉर्मिन और विटामिन B12 के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं पाई गई है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी रिएक्शन मौजूद नहीं। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। यदि आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो आपके विटामिन B12 की स्थिति की एक वार्षिक जांच आपके डॉक्टर को आपके स्तर में किसी भी गिरावट के बारे में सचेत कर सकती है, जो कि कमी की शुरुआती संकेत हो सकते हैं। विटामिन B12 की स्थिति निर्धारित करने का एक परीक्षण है, जो सीधे ब्लड सैंपल में B12 के स्तर को मापता है। वैसे तो डॉक्टर आपको विटामिन B12 का सप्लीमेंट गोलियां ही देंगे, लेकिन नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B12 केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो आप विटामिन B12 सप्लीमेंट के लिए मांस, अंडे या फिर डेरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और चीज़ का सेवन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मिली जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी उनके स्वास्थ्य के बारे में पता चल सके। कृपया ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।